हेलो साथियों, नमस्कार। ओम आपके सीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही डिटेल में बताने जा रहे हैं कि हम मार्किंग कैसे करते हैं और उसमें एक्सिस लगाना क्या सिस्टम होता है, एक्सिस कैसे लगाते हैं, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बताने जा रहे हैं। इसलिए कि बहुत सारी क्वेरी आई हुई है कि एक्सिस और मार्किंग का वीडियो, फुल वीडियो बनाया जाए, फुल गाइड किया जाए कि किस तरह से हमें मार्किंग एक्सिस लगा के मार्किंग कैसे करें ताकि लेंस भी छोटा ना हो और एक्सिस भी अच्छे से लग जाए। तो हम पूरी डिटेल बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे कि एक्सिस कैसे लगाते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं। पूरी वीडियो में रहिए, एक एक स्टेप से हम आपको दिखाएंगे। तो हम ये आपका चश्मा है जो आपका पुराना ओल्ड चश्मा है, जिसमें हमें सिर्फ लेफ्ट आई चेंज करना है। लेफ्ट आई चेंज करना है, उसका पावर है राइट में -0.50 -0.25। एक्सिस ऑफ 120 डिग्री देख पा रहे होंगे, बिल्कुल पास से देखेंगे तो देख पा रहे। तो हम इसका बताने जा रहे हैं कि क्रॉस कंपाउंड पावर, क्रॉस कंपाउंड पावर है। तो कंपाउंड पावर में हम आपको बताएंगे कि 120 डिग्री हम कैसे एक्सिस लगाएं, उसके बाद हम इसकी मार्किंग कैसे करें कि ये बेहतर मार्किंग हो। तो पूरे वीडियो में करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, इसमें एक्सिस लगाना आपको बताते हैं कि एक्सिस कैसे लगाई जाती है। हाफ पेयर ही है, हाफ पेयर ही बनाना है। हाफ पेयर में हम पूरा डिटेल आपको समझाएंगे, एक्सिस लगाना, मार्किंग करना। आइए दिखाते हैं हम आपको एक्सिस कैसे लगाना। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमने लेंस रखा हुआ है, आपका लेंस ये लग चुका है ऑलरेडी। तो एक्सिस लगाना है, इस पर आप लेंस रखिए, ये आपका ऑटो मोड है। ऊपर देख पा रहे होंगे स्क्रीन, आपका जो पावर निकल के आ रहा है सामने वो आपका है -0.25। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, इसको हम ऑटो मोड कर दे रहे हैं पहले। तो हमें लेफ्ट का लगाना था, तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यह है कि हमें जो है प्रॉपर रखना है, 120 डिग्री जो है लेफ्ट आई हमें करना है। ऑलरेडी हमें जो है राइट पे नहीं चेक करना था, इसलिए सिंगल विजन है तो राइट लेफ्ट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन लेफ्ट पे हमें चेक करना है। अभी बाईफोकल होता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो राइट को है कि लेफ्ट है, इसमें हाफ पेयर ही चेंज करना है हमें, तो लेफ्ट पे एक्सिस लगाएं। सिंगल विजन है, कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये सिंगल विजन नहीं होता तो दिक्कत हमें खड़ी हो जाती। देखिए हम ये सब चेक कर रहे हैं आपको, ये चेंज यहाँ से होता है। यहाँ से आप हटा के पहले फिर से दोबारा से इस तरह से देखिए, हमने जीरो कर दिए पहले प्रॉपर, ये देखिए प्रॉपर है। तो हमें राइट का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा लेंस है, आप देख पा रहे होंगे ये गोल लेंस, इसकी एक्सिस हमें लेफ्ट साइड में लगाना है। ये देखिए लेफ्ट हमने यल लिखा हुआ है, -0.50 -0.25 120 डिग्री। तो लेफ्ट साइड ही हमें करना है, गलत साइड नहीं करना है। तो इस पर हमने क्लिक किया, लेफ्ट आ गया। तो लेफ्ट में जो है अब हम इसको चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में आपका जब 120 डिग्री आ जाए तो उसी पे हमें पंच करके कांस्टेंट कर देना है। ये देखिए देखते रहिएगा, थोड़ा सा मूविंग होता है, इसको 120 पे फाइनल कर लेते हैं हम। ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे आपका 120 डिग्री, अभी हमने लगाया नहीं, आपको समझा रहे हैं। मतलब लेफ्ट में 0.50 में -0.25 120 डिग्री। अब इस पर हम चाहें तो पंच कर सकते हैं। देखिए पंचिंग कहाँ से करना है, ये यहाँ से आपको पंच करना है, ये यहाँ पे बना होता है, ये इसको आप पुश करेंगे इसे मूव करा के, तो आराम से यहाँ से स्ट्रेट लाइन तीन बूंदी आपकी पॉइंट बन जाएंगे। तो पॉइंट बन तो जाएगा, ये एक्सिस लग भी जाएगी। ऊपर स्क्रीन दिखाइए फिर से इसको, अभी देखिए ऑटो मोड लिया नहीं है, ऑटो मोड लेगा तो एकदम से हो जाएगा। इसको हम चेक कर रहे हैं ऑटो मोड करने पर, ये देखिएगा अभी आप, ये देखिए ऑटो मोड पे हो चुका है। ये ऑटो मोड होगा, ये स्क्रीन का कलर जो ग्रीन था ये आपका स्काई टाइप में हो गया। देखिए ऑटो मोड हुआ, स्काई हो गया, -0.50 में -0.25 120 डिग्री। अब ये जाके प्रॉपर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए कलर ग्रीन से आपका स्काई ब्लू हो गया। तो ऑटो मोड लेने पे फ़ायदा, देखिए अब यहाँ पे हम पंच कर लेते हैं। जब यहाँ पंच कर देंगे, देखिए पंच कर दिया हमने, हटा दिया, हटाने के बाद इसकी लॉक अनलॉक कर देंगे। ये अनलॉक हुआ, आपने लेंस हटाया,
तो अब इसमें देखेंगे आपको, अभी हम लाइट जला के दिखा देंगे पूरे लेंस पे आपको कहीं ना कहीं, देखिए ऐसे समझ नहीं यार, क्लियर दिख रहा होगा। ये आपका स्पॉट देखिए 0.123, तीन पॉइंट आपके स्ट्रेट में बन गए। अब हम इसमें अगर स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे तो ये एक्सिस आपका 120 डिग्री लग चुका है। तो स्ट्रेट मार्किंग करने के लिए कोई भी स्केल रख के या कोई भी स्ट्रेट चीज़ रहे आपकी, यहाँ पे हमने रखा बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से हम इसमें मार्क कर देंगे। ये हमने लाइन खींच दिया, आपने लाइन देखा। अब आपको डमी को निकालना, आपकी एक्सिस का जो सिस्टम था, एक्सिस का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मार्किंग हम कैसे करें कि लेंस हमारा छोटा भी ना हो और इस प्रॉपर तरीके से आपकी मार्किंग हो जाए, तो हमेशा इसका जो हिस्सा होता है ये वाला, आप चाहें तो इस ग्लास पे भी एक स्ट्रेट मार्किंग खींच सकते हैं। देखिए एक और तरीका होता है कि आप इस ग्लास पे एक स्ट्रेट मार्किंग कर लें, तब आपको और भी आसान हो जाएगा। ये देखिए हमने स्ट्रेट मार्किंग कर दिया। ये इस स्ट्रेट मार्किंग होने से आपका एक्सिस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। देखिए अब हमने इसको ये इस अपनी स्ट्रेट मार्किंग को इस मार्किंग से आप मिलान करें, तो अगर इसको हमने हटाया होता तिरछा हो सकता था, ऐसे हो सकता था, लेकिन जब हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लिया तो ऊपर की जो मार्क हमने किया है एक्सिस लगाया उस पर रखते हैं बीचों बीच पे, ये देखिए तो उस पर बीचों बीच रखेंगे, आराम से इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद चारों तरफ से बाहर के हिस्से में हमने जो है मार्क कर लिए, ये देखिए बाहर के हिस्से में मार्क करना है, हमेशा ध्यान रहे दोनों साइड से ओपन करके कर लीजिए। तो ये हमारा मार्किंग का प्रोसेस हुआ ताकि लेंस छोटा ना हो। अब देखिए ये डमी हमने हटा दिया, डमी में मार्किंग करने से फ़ायदा है कि आपकी एक्सिस चेंज नहीं होगी, एक्सिस ऑटो लेंसोमीटर से लगा है तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि गलत हो जाए, हमेशा मैनुअल भी लगा सकते हैं हम न्यूट्रलाइज करके। ये देखिए आपकी इस तरह से आप लेफ्ट लिख भी देंगे, ये हमारा लेफ्ट का जो है कंप्लीट हो चुका है इस पावर के साथ मार्किंग। तो दोस्तों आप ये देखिए इसमें आपका ये आपका कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें पावर चेंजेस थे तो हमने मार्किंग का एक्सिस का वीडियो आपको एक्सिस भी इसमें दिखाया, इस वीडियो में हमने जो है मार्किंग भी दिखाया किस तरह से करना है। तो अब आपको इसमें भी एक सिस्टम होता है कि ये मार्किंग जो होता है हमेशा ये बनी होनी चाहिए, जब तक एजिंग ना करें, कटिंग जब करेंगे तो इस मार्किंग की कटिंग नहीं करेंगे, इसके बाहर बाहर कटिंग करेंगे तो आपकी लेंस जो है छोटा ना हो। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं ये चश्मा आपको प्रॉपर तरीके से चेहरे पर हमारे कैसे लग रहा है, इसको देखिए। जबकि पावर है इसको लगाना नहीं चाहिए, कोई भी चश्मा बनाते समय हर समय नहीं लगाना, नहीं गॉग की भी आए आँख डैमेज हो सकती है। इसको ऐसे लगा के हम कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद हम एजिंग करके इसकी फिटिंग कर देते हैं, चश्मा प्रॉपर तैयार हो गया। तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि हम एक्सिस कैसे लगाते हैं, जबकि एक कंपाउंड पावर है तो इसमें एक्सिस भी आ गया। अगर इसमें कंपाउंड पावर नहीं होता, ओनली स्पेरिकल पावर होता तो आपको जो है एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मार्क करना होता। तो हमेशा डमी पे ये दो तीन पॉइंट हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर एक, एक्सिस लगाते समय ध्यान रखें एक्सिस चेंज ना हो। दूसरी चीज, हमेशा स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद डमी पे बीचों बीच सेंटर पॉइंट पे आपको एक मार्किंग करनी है, अगर एक्सिस पावर है, कंपाउंड पावर है, क्रॉस कंपाउंड पावर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत, स्पेरिकल पावर में आप कहीं से भी आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल पावर है या कंपाउंड पावर है या क्रॉस कंपाउंड पावर है तो आपको डमी पे बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। वैसे बिना स्ट्रेट मार्किंग के भी हो सकता है, लेकिन एक्सिस चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेट मार्किंग जैसे हमने डमी पे ये किया हुआ है, इसमें आपने देखा ये डमी पे किया, इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे तो एक्सिस क्या होता है कभी कभी 120 डिग्री का 125 हो जाता है, 115 हो जाता है, 115 हो जाता है, 125 भी हो जाता है। तो ये स्ट्रेट मार्किंग हुई रहेगी तो आपका पावर पावर के साथ भी एक्सिस जो है दाएं बाएं नहीं होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सोशल मीडिया फॉलो करना ना भूलें। पूरी प्रोसेस आपने देखा, अगर कुछ भी आपको समस्या दिख रही हो, कोई भी आपको क्वेरी डालनी हो, कुछ सजेशन करना हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में करिएगा, दोबारा फिर नए वीडियो बनाएंगे और भी अच्छे से बनाएंगे। तो इसमें अगर कुछ समझ में आया हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं।